मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हम बंबई जा रहे हैं। क्यों? पिताजी कहते हैं हमारी बदली हो गई। कब आओगे लता? माँ कह रही थी अब यहाँ नहीं आएंगे, वहीं रहेंगे। फिर हम कहाँ मिलेंगे लता? तुम आओगे तो मिलेंगे। किसके साथ आऊंगे? अपने पिताजी के साथ। कल मैंने माँ से कहा था कि पिताजी को लिखकर मुझे लता जैसी घड़ी मंगा दो, तो उन्होंने कहा वो नहीं ला सकते ना वो आ सकते हैं। कहाँ है वो? भगवान के घर, वो उन्हें आने नहीं देते। अगर तुम्हें मेरी घड़ी पसंद है तो लो ले लो। फिर तुम क्या करोगी? मेरे पिताजी तो है वो मुझे दूसरी घड़ी ला देंगे, लो ले लो। जब तुमसे खेलने को दिल चाहेगा तो तुम्हारी घड़ी से खेल लिया करूंगा। माँ, उससे मैं कभी नहीं मिल सकता। क्यों नहीं? जरूर मिल सकते हो, मगर लता से मिलने के लिए पढ़ना पड़ेगा, कोई बहुत अच्छा सा काम करना पड़ेगा। माँ, मैं पढ़ूंगा, लता से मिलने के लिए सब कुछ करूंगा। जितना हसीन नाम है उतना ही हसीन लिखती हो, लेकिन तुम्हें चंद्र और लता के बचपन के हालात क्यों कर मालूम? ये तुमसे बंबई आकर पूछना पड़ेगा। मुंबई में तुम्हें भी ढूंढना पड़ेगा और किसी और को भी। तुम कहो किसको? लता को। लता कौन? थी एक। वो याद आ रहे हैं गुजरे हुए जमाने, ये दुख भरे फसाने, रोते हुए तराने, किसको सुना रहे हैं? वो याद आ रहे हैं गुजरे हुए जमाने। 15-15 बरस तक सितार सुर में नहीं आता या हुजूर सितार बनाने की सुर में नहीं आते। पर काश कब आए बंबई से, कोई अच्छे तो रहे। तुम्हारी बला से 20 खत लिखे मगर तुमने एक खत का भी जवाब नहीं दिया। मैं तो सिर्फ माता जी से मिलने के लिए आया। नाराज क्यों होते हो? जवाब देने का वक्त ही नहीं मिलता। ये तो तुम्हारी सूरत बता रही है कि तुम्हें दम तक मारने की भी फुर्सत नहीं। 6 महीने में एक सितार न बनाया गया। सच कहता हूँ, बेकार वक्त जाया कर रहे हो। प्रकाश, जमाना ही ऐसा आ गया है, फनकार की मौत है मौत। अरे कोई समझने वाला नहीं मिलता इस उजड़े हुए जहानाबाद। 1000 बार लिखा के मुंबई चले आओ, जितना रुपया चाहो लगाओ, दुकान खोलो, मुझे एतराज नहीं, मगर तुम तो कच्ची बेरी के तले मरने वालों में से हो। इसी तरह बहुत कुछ गुजर चुकी है प्रकाश, थोड़ी रह गई सुबह भी गुजर ही जाए। यहाँ मरना मंजूर है आपको, मगर मुंबई जाना मंजूर नहीं। बहुत मुमकिन है कि हम गरीबों को तुम्हारे शहर की अमीराना आबोहवा रास ना आए। ₹100 कीमत बहुत है इसकी। अभी आजकल इस कीमत पर बहुत ही सस्ता है। माफ फरमाइएगा। मेरा सितार तैयार हो गया? जी हाँ। आपने बजा कर देख लिया? ठीक है ना? आप खुद ही बजा कर देख लीजिए, मेरे बजाने से क्या होता है।
बहुत ये किस सिलसिले में सितार छीन लिया गया है? बदमजाकी के सिलसिले में। आपको सितार बजाने का शौक है तो सितार बजाना सीखिए। गैर आदमी पर इस तरह दुकान कैसे छोड़ दी जाए? गैर कौन चंदर, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। दोस्त ही आदमी को तबाह करते हैं। माता जी, चंद्र उन दोस्तों में से है जो खुद तबाह हो जाए मगर प्रकाश को तबाह होते नहीं देख सकता। आप मेहरबानी करके मेरे और चंद्र के मामले में दखल न दिया करें। तुम मुझको हुक्म नहीं दे सकते, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो फिर मैं ये घर छोड़ के चला जाऊँ? मैंने क्या कह दिया, लो ये 1000 रुपए। के बाद फिर दिल धड़का जैसे बचपन में धड़का करता था। हो न हो ये वही थे, वरना बेसबब किसी गैर की तरफ मेरी निगाहें कभी न उठती। बिन निंदिया के नैन हमारे निकले चमके डूबे तारे। मैं रेनू को क्यों ना लिखूं, मुलाकात हो सके तो शायद उससे लता का पता चल जाए। लेकिन रेनू का पता, रेनू का पता इस एडिटर के पते पर क्यों ना लिखूं? ठीक है, वाह भाई वाह, 10 साल हो गए एडिटरी करते हुए मगर आज तक इतने खतना आए, और ये 4 दिन की लिखने वाली रेनू और इतनी मोटी डाल। गिरधारी जी हुजूर, लो ये रेनू देवी के मकान पर पहुंचा दो। बहुत खूब, ला ये खत मुझे दे, मैं पढ़ूंगी। आहा, लिखते हैं, सबसे ज्यादा हसीन रेनू देवी नमस्ते। जिस दिन से आपकी कविता पढ़ी है यकीन मानिए पागल हो गया हूँ। आपकी किताबें सुबह से शाम तक पढ़ता रहता हूँ और रात को किताबें सीने पर रखकर सो जाता हूँ। जियो जियो और हमेशा किताबें सीने पर रखकर मरो मरो मरो। और ये महाशय लिखते हैं, सुनना, लेकिन जरा संजीदा किस्म के मालूम होते हैं। आपकी कविता में मेरे सपने झलकते हैं, मेरी दबी हुई चीखें और घुटी हुई सिसकियां कहीं कहीं एक जगह नजर आती है। मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे कोई मुझसे बातें कर रहा हो। क्या खूब लिखा है, अरे ये तो कोई दिल जला मालूम होता है। और आखिर में लिखते हैं, श्रीमती जी आपको भगवान की सौगंध जवाब जरूर दीजिएगा, सिर्फ आपसे मिलकर दो दो बातें करना चाहता हूँ। लता इसको जरूर बुला, मैं इस बात के लिए तैयार नहीं। अच्छा तो तुम मोटर में बैठी रहने, मैं रेनू बनकर उससे मिल लूंगी। अरे ये यहाँ कहाँ, कौन? फिर बताऊंगी। कहाँ जा रही हो? अभी आती हूँ। मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जाती हो? छोड़ना, अभी आती हूँ। मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं छोड़ना। फिर टूट गया सिता। ओह, आप यहाँ भी आ गई?
क्या करती? देखिए तो मौसम कितना हसीन है। आजकल मोहब्बत में दिल के साथ साथ दिमाग से भी काम लेना चाहिए। ये देखिए, वक्त की बात है कि घड़ी भूल गए, एक निशानी मिल गई, इसी से दिल बहलाते हैं। मेरे बचपन के साथ ही मुझे भूल न जाना, देखो देखो हंसे न जमाना, हंसे न जमाना। मेरे बचपन के साथ ही मुझे भूल न जाना, देखो देखो हंसे न जमाना, हंसे न जमाना। ले लीजिए। जी हाँ, देखिए तो श्रीमती जी, शौक की कीमत तो 10,000 रुपए भी कम है और मैंने तो सिर्फ 400 कहे। इसको क्या हो गया? ऐसा मालूम होता है कि इसको बिच्छू ने काट लिया। जवानी छाई बन लेता है लड़ाई। क्या ढूंढ रहे हो बेटा? कुछ नहीं माँ, मेरी एक चीज खो गई है, मेरी एक चीज खो गई है माँ। क्या बात कहा? इतने परेशान थे इस मामूली सी घड़ी के लिए? मामूली नहीं, मेरी जान से ज्यादा कीमती है ये घड़ी। फिर तो इस वक्त आपकी जान मेरी चुटकी में है। चुटकियां लेने से क्या फायदा, बड़ी मेहरबानी आपकी। ओफो, कितनी तेज नब्ज चल रही है, सीधी वहीं से आ रही हो। अगर आज तुम्हारे दिल की ये हालत होती तो शायद तुम इस तरह ना हंसती। बरसों आग से खेलते बीत गए बसंती, अभी तो तुम्हारी इब्तिदा है, भूल जाओगी थोड़े दिनों के बाद। ऐसा मालूम होता है कि मैं उसकी मोहब्बत में खो गई हूँ। इंसान खोकर ही पाता है बसंती। आज मैं सवाल का जवाब नहीं दे सकती, आज मैंने कुछ पा लिया है, भगवान की सौगंध कुछ पा लिया है। क्या पा लिया है लता? खोया हुआ दिल। कहाँ से? तुम ही से। मुझसे? अरे ये तो मेरे गीत का नाम है। क्या हो, क्या गया है तुम्हें? कुछ नहीं। उस चंद्र, इस खत से तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारी लता कहाँ है। कि मैं चंद्र से मोहब्बत कर रही हूं, तुम ये भी जानती थी कि वो सिर्फ तुमसे प्रेम करता है, मगर तुमने मुझसे कभी ना कहा। क्या इसी का नाम दुनिया वालों ने दोस्ती रखा है? क्या अब भी तुम सखी होने का दावा कर सकती हो? बसंती, मुझे बहुत देर के बाद मालूम हुआ, मैं कह ना सकी, मुझे वो लफ्ज ना मिल सकी। तुम बहुत आगे बढ़ चुकी थी, तुम सिर्फ ये चाह रही थी कि अपनी मोहब्बत का इम्तिहान लो, उसको परख कर देखो कि मोहब्बत में पूरा उतरता है या नहीं। तुमने ये कभी नहीं सोचा कि इस खूनी तजुर्बे का गरीब बसंती पर क्या असर होगा, उस बसंती पर
जो तुम्हारी हल्की सी मुस्कुराहट पर तहे मारने लगती है और तुम्हारे उतरे हुए चेहरों को देख आंसुओं की बारिश में जाने लगती है। बसंती, बसंती। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ ले चलिए, शर्माइए नहीं। ये है मेरे बेहतरीन दोस्त मिस्टर चंद्र और आप दूसरे को मैं कह चुका हूँ, चलिए तशरीफ ले चलिए। माँ 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 जल्दी जहानाबाद चलो, जल्दी चलो माँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता माँ, जल्दी चलो, जल्दी चलो। होश में आओ चंद्र, चंद्र चंद्र, अब तुम खामोश नहीं रह सकते। गरीबों की नगरी अमीरों की दुनिया से जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना ही बेहतर है, चलो माँ चलो। उससे गलती हुई बेटा, अगर चंद्र आ गया तो मैं उससे माफी मांग लूंगी। किसी के मर जाने के बाद आज ये महसूस कर रही हो कि तुमसे गलती हुई, चंद्र इस घर में अब कभी नहीं आएगा, वो इस घर के लिए मर चुका है। फिर क्या होगा बेटा? इसका प्रायश्चित सिर्फ ये होगा, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जब तक मेरा दोस्त नहीं आ जाएगा मैं शादी नहीं करूंगा, हरगिज शादी नहीं करूंगा। प्रकाश, मैं आ गया हूं प्रकाश। बड़ा अच्छा हुआ, अब तो तुम्हारा दिल साफ हो गया होगा। जवाब क्यों नहीं देती? अरे मुबारक हो लता, एक ही चीज दिल की धड़कने सुना करती थी, वही तुम्हें दिए देता हूं। उम्मीद है कबूल करोगे। आज मैं इल्तिजा करती हूं, आधे गम तुम्हें देती हूं, उम्मीद है तुम भी कबूल करोगे। तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा, है किस्मत ने लूटा तुझको, है किस्मत ने लूटा। तेरा खिलौना टूटा, गगन से बैठा खेल निराले, खेले खेलन हार, देखो लोगों कठपुतली का नाटक है संसार।